कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेती हूं, हमारे साथ मौजूद हैं रितु चौधरी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को बांटा और आप जाति के आधार पर आप बांटना चाहते हैं, एससी एसटी ओबीसी को आप जातियों में बांटना चाहते हैं, यही मकसद है, आप लगातार जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं। देखिए, आजादी को एक शतक होने को आया, आज तक कोई बटा नहीं, कोई कटा नहीं। न जाने भाजपा को ऐसा क्यों लगता है और इतनी इनसे क्यों क्यों रहती है कि जब से ये सरकार आई है तब से ही इस प्रकार की जो है बातें इनसिक्योरिटी की ये करती आ रही है। ये विकास की बात नहीं करती, ये समाज के कल्याण की बात नहीं करती, ये केवल और केवल वो बात करती है जिससे कि समाज को बांटा जा सके। अब इन्हीं की बात को मैं लेकर एक बात कहना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, या इन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इस टाइप के जो नारे, तो आप एक तो पहले हो जाइए, आप तो एक नहीं है। आप जो है एसटी समाज को, आदिवासी को, मजदूरों को अब तो अपना मानते ही नहीं है। आपने कब ओबीसी को अपना माना, आपने एससी को कब माना? अगर आप अपना मानते तो आप जो है उनके मुंह पे पेशाब नहीं करते, आप उनके साथ अत्याचार नहीं करते, आप उनके जंगल जमीन जल लेकर जो है कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को नहीं देते, आप जो है धारावी की जहां पे पूरा जो है समाज जो है ये है वहां पर आप बुलडोजर नहीं चलवाते। आपको अगर इतना ही एक रहने का शौक है तो सबसे पहले आप उन समाज को जो सबसे हाशिए पर है उसको लेकर अपने साथ जोड़िए, पहले एक तो हो जाइए उसके बाद बात करिए। अरे आप तो पहले से बटे हुए हो, आपने कभी माना ही नहीं अपना इस समाज को। और जब राहुल गांधी ये बात करते हैं कि समाज को आगे लेकर आइए, उस समाज की गिनती कीजिए कि किस समाज का हक जो है आज तक आप मारते रहे। खुद मोहन भागवत ये कहते हैं कि 200 साल से हम इनका हक खा रहे हैं, अब इनको हक देने की बारी है। और जब इनका हक देने की बारी आती है तो ये घबरा कर इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि इस चीज से ध्यान हटा सके, उस भोले भाले समाज का, उस भोले भाले लोगों को, उनका दिमाग का ब्रेन वॉश कर सके कि ये जाति जनगणना उनके हक की नहीं। और इनका हक महाराष्ट्र चुनाव में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी यही वहां पर साबित करने की कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में आप झांसे में आ गए, अब मत आइएगा, क्योंकि इनका मकसद है समाज को बांटना। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि समाज को बांट कौन रहा है? समाज को कांग्रेस बांट रही है, समाज को लोग बांट रहे हैं, या समाज को ये जो समाज के दुश्मन है भाजपा ही वो बांट रहे? क्या ये आप बताइए, क्या वो ऊना में जब जो बच्चों के जो कोड़े बरसाए गए थे, क्या वो समाज को बांटना नहीं था? क्या मनीषा को रातों रात उनका अंतिम संस्कार कर देना पेट्रोल जलाकर, क्या वो समाज को बांटना नहीं था? क्या ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, चुप रहना, क्या वो समाज को बांटना नहीं है? क्या आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करना समाज को बांटना नहीं है? क्या ठीक है, रितु चौधरी जी, आपने अपनी बात कह ली, मैं जवाब लूंगी।